हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तरुणा और अभी जो है दोपहर हो रही है, तो आज का जो मैं व्लॉग है वो दोपहर से शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा ही किया है बस। और क्या, अभी मैं थोड़ा सा, मेरा काम बाकी बचा हुआ है कपड़ों का, अभी मैंने कपड़े नहीं वॉश किए तो। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा फेस पे लाइट आ रही है, अभी कर लेती हूँ। और ये जो चादर है ये मैंने धोई थी और ये सूख चुकी थी, तो मैंने इसको दोबारा से बिछा लिया। तो इसके पीछे जो है रीज़न है वो मैंने उठा दी थी, लेकिन इसको मैंने दोबारा से बिछा दिया था। जल्दी सूख जाती है, इसका ये बेनिफिट होता है ये वाली चादर का। और अभी बस मैं थोड़ी बहुत सेटिंग कर रही थी घर की, क्योंकि एक खुशखबरी है आप सबके लिए, मेरे लिए भी, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। और अभी मेरे हस्बैंड तो गए हैं कॉलेज, उनको कुछ ज़रूरी काम था उनके पेपर के रिगार्डिंग। ये मेरी जो है आईलाइनर, ये निकल चुका है। मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, जब भी मैं आईलाइनर अप्लाई करती हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे आँख को मसल लेती हूँ, मेरी आदत है, और फिर वो निकल जाता है। तो अभी मैं अजीब सी लग रही हूँ ना, चलता तो देखो, बड़ी इरिटेशन हो रही है। वैसे मैं ज़्यादातर जेल आईलाइनर ही अप्लाई करती हूँ, ये तो लिक्विड आईलाइनर था और ये मेरी शादी के टाइम का ही है। शादी में मैंने लिया था अपनी, मतलब मेरे सास ससुर की तरफ से ही आया था, जो शगन आता है। अभी खा रही हूँ मैं आलू का पराठा। तो नाश्ते में मैंने आलू का पराठा बनाया था, तब तो मैंने एक खाया था और मैं एक और खा रही हूँ, और उसके साथ ले रही हूँ मैं चाय। अच्छा, जब भी मैं चाय पीती हूँ, मोस्टली जब मैं खाने के साथ चाय लेती हूँ, जैसे नाश्ते में ले रही हूँ या फिर ऐसे टाइम पे, तो मैं चाय में मीठा नहीं डालती, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो वाइट शुगर होती है वो मोटापे का जो है रीज़न होती है, और बहुत बड़ा रीज़न भी होती है। और मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं जो है अभी वेट लॉस तो मैं कर ही रही हूँ, हाँ, लेकिन उस हद तक मैं जो है मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रही हूँ या फिर मैं प्रॉपर एक कुछ एक मेरा डाइट प्लान अभी है, अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने 2 महीने ऐसा किया भी था और मैंने अपना डाइट प्लान जो है आपके साथ शेयर भी किया था अपनी एक प्रीवियस वीडियो में। तो अभी मैं वैसे कुछ डाइट नहीं ले रही हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि मैं ट्राई यही करती हूँ कि हो सके थोड़ा सा, जितना हो सके जिस चीज़ को मैं अवॉइड कर सकती हूँ मैं करूँ। तो अभी इसीलिए मैं जो है चाय बिना, और मेरा जो हस्बैंड है वो भी, जैसे वो दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, तो वो बिना चीनी की ही लेते हैं। तो मतलब अब अगर आपसे ज़्यादा कुछ ना भी हो पाए, जैसे एक्सरसाइज ना हो पाए, मैं योगा करती हूँ सुबह उठकर, कभी कभी बीच में नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह उठ के योगा ज़रूर करूँ, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट तो मैं करती ही हूँ। और उसमें मेरे 2 योगा जो है वो कंपलसरी होते ही हैं जो मैं करती हूँ, एक है अनुलोम विलोम और एक है कपालभाति, तो ये 2 मैं करती हूँ। और अगर नाश्ते में पॉसिबल होता है तो मैं पोहा बनाती हूँ, अगर नहीं बन सकता है और कुछ अगर हमारा चटपटा खाने का मन है तो मैं ऐसा कुछ बना लेती हूँ पराठे, पर ट्राई करती हूँ कि कम ही खाएं वो चीज़। और हाँ, इससे क्या होगा कि मैं ये नहीं कहती कि इससे वेट लॉस होगा, लेकिन इससे मोटापा उस हद तक नहीं जाएगा, अगर जो जाना भी हो। जो फिक्की चाय होती है बिना मीठे वाली, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं लगती या आपसे पी नहीं जाती, हाँ 1-2 दिन तो थोड़ा सा अजीब लगता ही है जब हम कोई सडन एकदम से चीज़ आदत छोड़ देते हैं, लेकिन वो अगर आप अपने मतलब आदत में बना लें और आप रेगुलर जो है बिना चीनी वाली चाय ही पिए, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि उसमें मीठा नहीं है, क्योंकि जो गाय भैंस का दूध तो थोड़ा सा होता ही है, मतलब पीने में अजीब सा टेस्ट लगता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जो गाय का दूध होता है ना, जो वो नेचुरली उसमें मिठास होती ही है और इतना ज़्यादा पता नहीं चलता अगर आप पीते हैं तो। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आप थोड़े से चबी हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से चबी है और आपको पतला होना है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आप बहुत सारा या ठूस ठूस के खाएंगे तो उससे तो देखो कुछ फ़ायदा होगा नहीं,
लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक यूज करके जो है फिर भी आप अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत पतली हूँ या बहुत स्लिम हूँ, हाँ, लेकिन जो मैंने वेट अपना लूज़ किया था मैं आई थिंक उसी के ही आसपास हूँ। तो ऐसे ऐसे ट्रिक से जो है मेरा वेट जो है मेंटेन रहता है, और अभी मुझे वेट लूज़ करना भी है, मैं जल्दी जो है वो चुकी है और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने अभी करी है चोटी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो अभी बाहर तो बिल्कुल भी वैसा ऐसा लग नहीं रहा है कि 7 बज चुके हैं, बट ये देखिए बाहर बिल्कुल धूप निकली हुई है, पर वैसे 7 बज चुके हैं। और आज मैं बनाऊंगी डिनर में आलू गोभी की सब्जी। तो मैंने गोभी को जो है वो उसका जो डस्ट है वो निकाल लिया है, और अभी सब्जी काटना बाकी है। फिर उसके बाद मैं उसमें तड़का लगाऊंगी और खाना बनेगा जब मेरे हस्बैंड बोलेंगे तब। रेडी हो रहा है, और ये जो एप्रन है ये मेरे पास पहले से ही था, मतलब ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, तो मैंने इसको अब जाके यूज़ करना शुरू किया है। एप्रन के बहुत सारे फायदे हैं तो आपको सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस खुशखबरी की मैं बात कर रही थी वो ये है कि मुझे यहाँ पे आए हुए 2 साल हो चुके हैं, और मतलब अगस्त में हमें 2 साल हो जाएंगे। और मैं मतलब यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो हमारे पास कोई आता नहीं था पहले। हम मतलब कभी बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, मन नहीं लगता था कई कई बार तो हमारा यहाँ पे, हम ही जाते थे घर पे लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता था। तो फाइनली जो है मेरे फैमिली मेंबर मेरे पास आ रहे हैं कुछ दिन के लिए, रहने के लिए मेरे पास, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली कोई ना कोई तो आ ही रहा है, और शायद वो इस वीक में आ भी जाए, बट अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है फ्लाइट को लेकर। एक्चुअली उनका सडन प्लान बना था, तो एक मिनट मैं तड़का लगा लूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँ। पानी डाल कर तो वो जो है जलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो
मेरी जो है फैमिली मेंबर आ रहे हैं मेरे पास, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका सडन प्लान बना है, और फ्लाइट्स जो आपको पता ही है कि अगर एकदम से बुक कराते हैं तो उन बहुत महंगी पड़ती हैं, और कम से कम महीना पहले तो बुक करानी पड़ती है अगर आपको सस्ती फ्लाइट चाहिए तो। और दूसरा ट्रेन का भी सेम ही बुकिंग चल रही है, तो अभी मतलब पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, बट फिर भी देखते हैं, 90% चांस तो हैं कि वो आ जाएं, और अगर वो आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मन लग जाएगा यहाँ पे, और देखते हैं। और जब वो आएंगे तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो अब कौन आएगा ये तो मैं आपको तभी दिखाऊंगी कि कौन आया मेरे पास। हाँ, लेकिन मेरे पास जो है मेरे फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, और तो बस यही थी एक छोटी सी खुशखबरी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, और बस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। और अगर आपको मेरा जो ब्लॉग है वो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। तो मेरे लिप देखे आपने, बड़े ज़्यादा पिंक पिंक लग रहे हैं ना, इन पर कुछ भी अप्लाई नहीं है। और मैंने जो है अपनी मतलब लिप्स की जो वो रेमेडी है उनको लाइटन करने की मैंने वीडियो डाली हुई है, और आप ज़रूर चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी। और तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को भी मिलेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।